ख्वाजा के उर्स में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अशोक परनामी ने भी हाजिरी दे दी है। परनामी ने दरगाह में चादर पेश की और प्रदेश और देश में अमन शांति की कामना की। दरगाह में हाजिरी के बाद मीडिया से अशोक परनामी ने कहा कि पांच राज्यों में होने वाले चुनाव में बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन करेगी और आसाम में पहली बार बीजेपी सरकार भी बनाएगी। बताएं आपको कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने ख्वाजा के दर पर पहुंचकर चादर पेश की, जियारत की और अमन चैन की दुआएं मांगी। वहीं इसके साथ ही उन्होंने पांच राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए बीजेपी की तैयारी को लेकर बात की और कहा कि बीजेपी एक अच्छा प्रदर्शन करेगी। सी मीडिया संवाददाता अजमेर से रईस खान हमारे साथ बने हुए हैं। रईस, किस तरह का कार्यक्रम रहा परनामी का? रईस, ख्वाजा के उर्स में तमाम लोग वहां पहुंचते हैं, चाहे वो राजनीति की बात हो, चाहे वो राजनीति से जुड़े हों या फिर बॉलीवुड हो। अगर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अशोक परनामी भी वहां पहुंचे, किस तरह का कार्यक्रम उनका रहा? ख्वाजा फरीदाबाद के दरगाह में हर राजनेताओं की चादरें पहुंच रही हैं। अशोक परनामी जो है वो भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ ख्वाजा मोहिद्दीन आखिर किसी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में हाजिरी देने पहुंचे। ये पहला मौका है जब वो उसके मौके के ऊपर ख्वाजा के आस्थाने में चादर लेकर पहुंचे हैं और उन्होंने अभी आगामी जो होने वाले पांच राज्यों में चुनाव है उनकी सफलता के लिए दुआ मांगी और साथ ही उन्होंने ख्वाजा के आस्थाने में ये भी दुआ करी है कि संगठन जो है वो मजबूत हो और आने वाले चुनाव के अंदर उनको कामयाबी मिले। और आसाम के अंदर खासतौर से उन्होंने कहा कि आसाम में हम जो है सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि पांचों राज्यों के अंदर जो है बीजेपी कमजोर रही है, लेकिन इस बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन दोनों राज्यों के अंदर ही जो है बढ़त बनाएंगे और साथ ही आसाम के अंदर सरकार जरूर बनाएंगे। ये दोनों खास उन्होंने मांगी और उसी के साथ में उन्होंने कहा है कि इकाई स्तर के ऊपर जो ब्लॉक स्तर पर जो कार्यकर्ता है छोटे छोटे उनकी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जहां ख्वाजा के दर पर अशोक परनामी पहुंचे वहां उन्होंने अमन चैन की दुआएं मांगी, साथ ही सरकार और संगठन की मजबूती के लिए भी दुआएं मांगी।